दिग्विजय जी, मुख्यमंत्री खट्टर का एक बयान सामने आया है कि इनको हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बना के रणदीप सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाला। इस बयान को आप किस मायने में लेकर आगे बढ़े? देखो, राजनीति में बदला लेना और कांटे निकालना ये बीजेपी और कांग्रेसियों की नीयत हो सकती है। हम तो इसकी निंदा करते हैं, ऐसी बात राजनीति में नहीं करनी चाहिए। कोई किसी के कांटे नहीं निकालो, लोगों की जो राहों में कांटे बिछे हैं उन कांटों को निकालना है हमने। जो बेरोजगारी के कांटे हैं हमने उसकी सफाई करनी है। जो आज भुखमरी के हैं कांटे उनको हमने दूर करना है। जो गरीबी के कांटे हैं उसको हमने दूर करना है। ये एक दूसरे के निकालते रहो, हम जनता के लिए जो पीड़ादायक कांटे हैं उनको दूर करें। जिस तरह से कितने गांव का आपका दौरा हो गया और क्या लोगों का सुना? मुझे लगता है तकरीबन 250 गांव मैंने हल्के के कवर कर लिए और अब 10 दिन चुनाव के बाकी हैं। बाकी सभी गांवों के अंदर 509 गांव बताए, 509 गांव के अंदर जाकर के लोगों का जनसमर्थन। आजकल नेता जो है डेरों का ज्यादा रूप कर रहे हैं, इस तरह से क्या असर मिलने वाला डेरों पर? जनता परमात्मा का रूप होती है, हमारे लिए तो डेरा भी यही है, हमारे लिए परमात्मा भी यही है, भगवान श्री कृष्ण का रूप भी यही है और भगवान राम भी यही है। तो हम तो इनका रुख करेंगे, कोई कहीं जाए वो तो चलो सबकी आस्था है और आस्था का सम्मान होना चाहिए, मगर हमारे लिए डेरा ये गांव की चौपाले हैं जिन डेरों के बीच में आके इन परमात्मा का, इन भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद। अच्छा, जैसे अभी प्रोग्राम होने वाला आपका, तो क्या प्रोग्राम रहने वाला? 5 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और अरविंद केजरीवाल जी और सभी दोनों गठबंधन के बड़े नेता गोहाना में सभा करने आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है जिले के इकट्ठे होंगे और वहाँ उन्हें आशीर्वाद देंगे, उनकी बात सुनेंगे और 12 तारीख को मोहर लगाएंगे चप्पल के निशान। धन्यवाद। एक मिनट दिग्विजय जी, ये जो अपने जसमेर जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अध्यात्म स्वामी जसमेर ने, इस देश में तो कोई रजिस्टर्ड पार्टी ऐसी है छोड़ी नहीं, 4 बार तो हमारी को छोड़ के जाली, 3 बार कांग्रेस को छोड़ के जाली, 2 बार बीजेपी में जा लिए, बसपा में, अब तो मुस्लिम लीग बची है। हाँ। उसकी ओर रुख करें, वो और पार्टी बची है। ठीक है भाई। सुरेंद्र जी, अब तक आपके ये कितने गांव कवर हो पाए? कल तो आज हमारे यहाँ दुलाना हल्के के 20 से 22 गांव का दौरा है और 10 गांव हो चुके हैं। हर जगह बहुत बढ़िया आपार्षण है और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़कर सही मायने में लोगों ने मन बना रखा है कि सही मायने में एक किसान की कमेरे की कोई बात करें तो इंडियन नेशनल लोकल ही पार्टी है और सब लोगों ने आस्था जताते हुए मेरे को भरपूर आशीर्वाद और मान सम्मान यहाँ जुलाना हल्के के सभी गांवों में मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसका इनको जो सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी जो इधर चुनाव मैदान में उतारा है कि उन्होंने सुरजेवाला ने अपना कांटा निकाला, उन्होंने जींद में निकाला, ऐसी बात सामने आई है, क्या कहना चाहते हो इनके? नहीं, हम तो नहीं, ये कांटा निकालना ना निकालना तो पब्लिक का काम है, लेकिन यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि गलती से भी गलती नहीं करेंगे और 6 महीने का उनको सांसद नहीं चुनना उनको, क्योंकि 10 वर्ष का जब उनका शासन रहा तो उस शासन में केवल रोहतक और झज्जर के काम किए हैं। नौकरी देने की बात करें रोहतक और झज्जर में दिए हैं और फ्लाई ओवर की बात करें या बाईपास की बात करें केवल और केवल रोहतक झज्जर में किए हैं। आप जुलाना कस्बे का हाल देख सकते हैं, जींद का हाल देख सकते हैं, पहले रोहतक झज्जर क्या हुआ करता था और आज क्या है, वो खाली भाईचारे के नाम पर लोगों को गुमराह करके
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वोट हथियाने का काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत समझदार है, हर तरह से वो समझ चुकी हैं, उनको कहीं से कुछ भी मिलने वाला है नहीं। अच्छा, जिस तरह से अब ऐसा सामने बातें आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है जनता के बीच में नहीं जा रहा, अभी आखिर किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी केवल और केवल एक रोड शो के माध्यम से बार बार निकलते हैं, कहीं अंदर लोगों का कोई बगैर बात का एक बहिष्कार ना हो जाए, कहीं लोगों के गुस्से का सामना ना करना पड़े, वो केवल और केवल सड़कों पे हाथ हिलाते हुए निकल रहे हैं। तो इस बात से उसकी बौखलाहट और इस बात से उसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लोग स्वयं लगा सकते हैं, हम तो इस बारे में क्या कहें। अच्छा, क्या लग रहा है आपको देवीलाल की नीतियों के साथ आगे बढ़ पाओगे इस तरह से? शुरू से ही चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ और ये तो कर्म भूमि रही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी देवीलाल जी की, तो निश्चित रूप से जो उन्होंने यहाँ वायदे किए हैं, जो काम किए हैं, जितने उनके समय में जो काम हुए हैं, उसी पे लोगों ने यहाँ मोहर लगाने का काम हर हाल में करेंगे। आप देख सकते हैं, चाहे नौकरी की बात रही हो या स्कूल कॉलेज की बात रही हो, चाहे कोई स्टेडियम की बात रही हो, हर तरह से शत प्रतिशत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ जन जन के प्रिय रहे हैं और हमेशा से उनके बीच में रहकर यहाँ लोगों की दुख तकलीफों से भली भांति वो वाकिफ है। जैसे हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया आप भी थे कि भाई जिस तरह से जींद में जैसे सुरजे हुड्डा ने सुरजे वाला काटा निकाला, आप इसको बयान को कैसे मान लीजिए? वही बात और क्या है, और उसका क्या लड़ना था, उनने वो बुरा फंसवा दिया, उनने अगला यार फंसा दिया, दोनों भाई बराबर। क्या क्या लगता है आपको आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वही है, कुछ नहीं होना। जैसे अब एक बयान जो है अजय चौटाला की तरफ से सामने आया, श्रुति चौधरी की तरफ से, उनको कहा कि ऐसे पेट पर बांध कर घूमते रहे, कुछ नहीं निकला, क्या ऐसे बयान राजनीति में शोभा नहीं? ना शोभा नहीं, इंडिविजुअल बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपने चुनाव में आज तक किसी चुनाव में ना उम्मीदवार का नाम लिया था, ना मैंने ये जरूरत है, मैं कहता हूँ हमने ये किया है, हम ये करेंगे, अपनी इन बातों में चक्रम नहीं पड़ना चाहिए और किसी ने भी कुछ नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप गांव में घूम रहे हो तो समर्थन जो है वो जनता का किस जनता तरह समर्थन ही न सबने मेरा पार जाते हैं, इस तारीख ने कितनी वोट जीतेंगे, सारा लोग समर्थन अपने साथ है, क्यों है अपने बीच में रहे, काम कर रहा है उसी का हुआ है, और भारी बहुमत से ये सीट जीत रहे हैं, कम से कम 2 लाख का मार्जिन यहाँ इस बार रहने वाला है। मैंने पिछले चुनाव से लड़ा उसे 3 गुना माहौल मुझे ज़बरदस्त नजर आ रहा है, उस टाइम हम 78-80 हज़ार से जीते थे, इस बार सफाया कर दें कुछ। अब जैसे 5 तारीख को इधर जो है इधर पे अमित शाह आ रहे हैं, तो 5 तारीख को इसी तरीके से गोहाना में जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री और ये सब जेजेपी वाले कर रहे हैं, यार क्या ऐसा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को सोनी बता रहे हैं, वो उनकी पार्टी है, वो चाहे गोहाना हो चाहे जींदा हो चाहे उड़ा हो, वो उनका काम है, उस पर अपना कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, सबको अधिकार है यार, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, वो आओ और जाओ, हमने क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या असर है, कुछ असर मानते हो कुछ असर होगा? यार असर जो होगा ना होगा वो जाएगा, लेकिन इस बात पर मैं लंबी चौड़ी, वो भी अपना काम करके जाएगा, बोल कर जाएगा, लोग देख लें किसका अच्छा। हमारे 5 को अमित शाह जी आ रहे हैं और 10 को मेरे ख्याल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम बनना है, 8 या 10 जो भी अपडेट आ जाएगी तो आ जाएगी, उसे कर लेंगे, बाकी सब तो आगे ले लें। Best.